हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, हमारे यूट्यूब चैनल टेक माइंस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए ले आया हूं पाइथन लैंग्वेज पर कुछ क्वेश्चन और कुछ नोट्स लेकर आया हूं, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में भी पाइथन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ऑपरेटर है या फिर उसके प्रोग्राम है, छोटे प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ, पाइथन लैंग्वेज पर आधारित है, जिसका मेन टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। यानी इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडिशन को। एडिशन के बारे में देखें कि एडिशन क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, इसे काम क्या करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात यहाँ पे है कि इसमें एडिशन का साइन है वो प्लस के साइन से शो किया जाता है, और इसका काम होता है लेफ्ट तथा राइट ऑपरेंड को जोड़ने के लिए। अब देखिए, ये ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड का मतलब है कि जैसे मान लो ए बराबर 4 है और बी बराबर अगर 5 है, तो ए और बी को अगर हम देखें, ये जो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये दोनों ऑपरेंड कहलाते हैं। यानी ए में अगर वैल्यू 4 है और बी में वैल्यू 5 है, तो ये दो ऑपरेंड हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसमें लिखा गया है सोर्स कोड है, एक आउटपुट है। यानी जो सोर्स कोड, तो वो होता है जो यूजर द्वारा लिखा जाता है, और जो आउटपुट होता है या फिर जो कंप्यूटर हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है, वो इसका प्रिंट आउट होता है। तो देखिए, सोर्स कोड में क्या होता है, प्रिंट लिखा हुआ है। एक बात का ध्यान में रखना, पाइथन लैंग्वेज में प्रिंट एफ नहीं होता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ होता है, और जबकि पाइथन लैंग्वेज में ओनली प्रिंट होता है। तो सोर्स कोड में लिखा गया है प्रिंट 2 + 5, तो इसका आउटपुट होगा 7। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रिंट 2.5 + 3.5, ये अगर प्लस किया जाएगा तो आंसर होगा 6। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में साइन कैसा होगा। साइन वो माइनस का होगा, और लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड को घटाया जाएगा। इट मींस यहाँ पे अगर एग्जांपल को अगर हम देख लेते हैं, एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स कोड लिखा गया है प्रिंट 4 - 5, तो इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट देखिए, इसमें -1 होगा, यानी कि लेफ्ट की संख्या में से राइट की संख्या को घटाया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, -1। नेक्स्ट है प्रिंट 5.6 - 7.9, यानी इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर होगा -2.3000 वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू शो करेगा। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं, इसमें इसका साइन होता है वो स्टार का साइन होता है। स्टार का साइन मतलब ये गुणा को शो करता है, और लेफ्ट और राइट ऑपरेंड को ये गुणा करने के काम आता है। जो लेफ्ट और राइट में जो दो संख्या ऑपरेंड होते हैं, उनको गुणा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, सोर्स कोड के बारे में देखते हैं। सोर्स कोड जो प्रिंट यूजर ने लिखा है, प्रिंट 5 × 4, 5 और 4 को अगर गुणा किया जाता है तो आंसर क्या होगा, 20। और प्रिंट 5.6 × 7.9, यानी अगर 5.6 और 7.9 को गुणा किया जाता है तो इसका आंसर होगा 44.24। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि डिवीजन का साइन जो होता है, डिवीजन का साइन है वो जो ऑब्लिक का साइन होता है, वो डिवीजन का साइन होता है, और इसका लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड किया जाता है। यानी जो लेफ्ट में जो भी संख्या लिखी गई है, उसको राइट में जो संख्या लिखी है उससे डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सोर्स कोड और आउटपुट में क्या कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे देखिए, प्रिंट लिखा हुआ है 5/2, यानी 5 में 2 का भाग देना है, तो आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। अगर प्रिंट 4/2, यानी 4 में अगर 2 का भाग दिया जाता है, तो आंसर 2.0 आएगा। इस बात का ध्यान रखें, जब भी पाइथन लैंग्वेज में ऐसे भाग दिए जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, तो हमेशा आगे 0.0 डॉट के बाद कोई ना कोई वैल्यू शो करनी होती है, जैसे कि हर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंट 4.6 / 2.6, तो आंसर क्या होगा, 1.769230। फिर वैल्यू है बार बार रिपीट होती रहती है आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट है प्रिंट 2/4, तो आंसर क्या होगा, 0.5 होगा। यदि प्रिंट
जीरो डिवाइडेड बाय टू हो, यानी जीरो को दो से अगर भाग किया जाता है तो आंसर क्या होगा, जीरो। देखिए इसमें भी पॉइंट जीरो आगे लगाया है। नेक्स्ट है प्रिंट फोर डिवाइडेड बाय जीरो, अगर चार में अगर जीरो का भाग दिया जाता है तो ये क्या होगा, जीरो डिवीजन एरर शो करेगा कि चार में जीरो का भाग नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर अपना है मॉडुलस जो ऑपरेटर है, और ये मॉडुलस का जो साइन होता है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मॉडुलस का साइन क्या होता है, वो परसेंट का साइन मॉडुलस का होता है और ये हमेशा शेषफल के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए काम क्या करता है, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करके रिमाइंडर को रिटर्न करता है। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल से है कि शेषफल को ये शो करता है। देखिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोर्स कोड है यानी प्रिंट 10% दो, यानी इसमें परसेंट का मतलब है कि यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर कम में लिया गया है कि 10 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल होगा, वो होगा जीरो। नेक्स्ट है प्रिंट 3 मॉडुलस 5, यानी कि 3 में अगर 5 का भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल होगा, भाग नहीं जाएगा तो जो यहाँ पे लेफ्ट में संख्या लिखी गई है वो वैसे की वैसी यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित हो जाएगी। यदि 4 में भाग दिया जाए 3 का और कितना शेषफल रहेगा, तो शेषफल बताना है 1। इसमें भागफल से कोई लेना देना नहीं होता, केवल शेषफल को शो करता है। यदि नेक्स्ट है 4.5 मॉडुलस 3.5 तो आंसर क्या होगा, 1.5, यानी इसमें क्या होगा, 1 शेषफल रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का साइन कैसा होता है। तो देखिए फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर का साइन है वो डबल स्लैश का होता है, और ये काम क्या करता है, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करके फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आपके पास कोई वैल्यू आती है तो वैल्यू के डॉट के बाद में यानी दशमलव के बाद की वैल्यू को प्रदर्शित नहीं करता है, ये राउंड फिगर में शो करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। सोर्स कोड और आउटपुट के लिए दो कॉलम बनाए हैं, पहले में प्रिंट 4 डिवाइडेड बाय 3, ये नॉर्मल, मैंने ये नॉर्मली लिखा है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, दोनों तरीके से समझा सकूं। नॉर्मली है प्रिंट 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 में यदि 3 का भाग दिया जाता है तो आंसर होगा 1.3333 वैल्यू चलती जाएगी, और यदि इसी लाइन को प्रिंट 4 फ्लोर वैल्यू 3, यानी कि इसी को अगर 4 फ्लोर वैल्यू 3 लिख दिया जाता है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी इसके बाद की जो भी वैल्यू होती है डॉट के बाद की, दशमलव के बाद की वैल्यू वो शो नहीं की जाएगी। अगर इसी लाइन को अगर इस प्रकार से लिखा जाए प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, यानी कि ये जो साइन है जो डबल स्लैश का साइन है उसको फॉर्मूला के माध्यम से शो कर दिया है, मैथ डॉट फ्लोर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला काम में ले लिया है, बाकी बात दोनों की सेम ही है। नेक्स्ट है प्रिंट 3 डिवाइडेड बाय 4, यदि 3 में 4 का भाग दिया जाता है तो आंसर क्या होगा, यदि भाग दिया जाता तो यहाँ पे देखिए 0.75 वैल्यू शो होती है। अगर इसको फ्लोर डिवीजन के अकॉर्डिंग अगर हल किया जाता है तो प्रिंट 4 फ्लोर डिवीजन बाय 4 तो आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 शो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे स्लैश का साइन नहीं आएगा, सॉरी गलती से लिखा गया, प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें आंसर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी 0। देखो ये आंसर दोनों को एक ही फॉर्म में लिखा गया है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि फ्लोर डिवीजन का फॉर्मूला और फ्लोर डिवीजन का साइन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात से होता है यानी पावर से होता है, तो इसका साइन है वो डबल स्टार से पूछा जाता है, और इसका काम क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड का पावर राइट ऑपरेंड को बना दिया जाता है। इट मीन्स लेफ्ट में जो भी संख्या लिखी जाएगी उसके राइट में जो संख्या होगी वो उसकी पावर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं, सोर्स कोड और आउटपुट के दो कॉलम हैं, इसमें देख लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे डबल स्टार का मतलब है एक्सपोनेंट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 4 एक्सपोनेंट 2, यानी 4 की यदि घात 2 कर दी जाती है तो आंसर क्या होगा, 16 होगा, और इसी बात को अगर फॉर्मूला से बना दिया जाता है प्रिंट मैथ डॉट POW का मतलब है पावर। कंप्यूटर में या सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज दोनों में ही पावर को फॉर्मूला के रूप में POW लिखा जाता है। तो देखिए प्रिंट मैथ डॉट पावर 4, 2, यानी कि अगर 4 की पावर 2 कर दी जाती है तो आंसर क्या होगा, 16.0 होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंट चार एक्सपोनेंट वैल्यू 10, यानी 4 की पावर अगर 10 कर दी जाती है तो आंसर क्या होगा, 1,48,576 होगा। अगर इसी लाइन को अगर फॉर्मूला से शो किया जाए तो प्रिंट मैथ डॉट पावर 4,10, यानी 4 की पावर 10 कर दी जाती है तो भी आंसर क्या होगा, 1,48,576 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए 7 ऑपरेटर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन भी पुट किए हैं कि आप इनको क्वेश्चन को भी हल कर लें। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो ऐसे पाइथन लैंग्वेज में काम करते हैं और उनको यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है, तो आप इनको भी ध्यान से देख लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, राउंड का फॉर्मूला है, राउंड 0.5 माइनस राउंड 0.5 का आउटपुट क्या होगा। आप आंसर अगर इसको हल करना चाहते हैं तो इसके आप यूट्यूब वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, 2.0। अभी देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। सबसे पहले देखिए 0.5 के आगे फॉर्मूला क्या लगा है, राउंड का फॉर्मूला लगा है। राउंड का फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आगे वैल्यू है इसको राउंड फिगर में लेकर आएगा। राउंड फिगर मतलब इसको ये 1 लेकर आएगा, फिर इसके आगे निशान है माइनस का, फिर राउंड का फॉर्मूला है और यहाँ पे एक माइनस का साइन है जो कि नहीं लगाया गया। तो राउंड का फॉर्मूला ये क्या करेगा, ये माइनस 1 कर देगा इसको। माइनस 1 करने के बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये 1+1 हो जाएगा और आगे ये 2.0 की वैल्यू शो कर देगा, आंसर होगा 2.0। नेक्स्ट है, क्या पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, तो इसका सही आंसर होगा यस। पाइथन लैंग्वेज में केस सेंसिटिव लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, इट मीन्स ए और यदि स्मॉल ए लिखा जाता है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पाइथन में आइडेंटिफायर की लंबाई कितनी हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी इसकी अनलिमिटेड आइडेंटिफायर की लंबाई होती है, आप कितनी भी डाल सकते हो, इसका कोई मानक नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, इनमें से कौन सा है जो इनवैलिड वेरिएबल होता है, सही आंसर होगा बी। देखिए इन सभी में क्या लगाया है, अंडरस्कोर और टेक्स्ट का यूज किया गया है, इसमें भी अंडरस्कोर टेक्स्ट का यूज किया गया है, नंबर फॉर्मेट भी लगाया गया है, लेकिन देखिए कभी भी सबसे वेरिएबल के अंदर आप शुरू में नंबर को काउंट नहीं कर सकते, यानी नंबर को नहीं लिख सकते हैं, नंबर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें अंडरस्कोर यूज किया गया है तो ये सही है, यहाँ पे कोई अंडरस्कोर नहीं है तो भी सही है, लेकिन यहाँ पे केवल जो ऑप्शन डी है उसमें केवल अंडरस्कोर लिया गया है तो भी सही है, परंतु आप नंबर कभी शुरू में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। देखिए एग्जाम के दृष्टि से कीवर्ड का क्वेश्चन आना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड कौन सा नहीं है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसमें सही आंसर होगा इवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आंसर देख लेते हैं, सही आंसर होगा बी। देखिए इनमें क्या होता है कि यहाँ पे ये ए बी सी बराबर 5 है, ए कोमा बी कोमा सी बराबर 4,5,6 है, और जो डी है इसमें ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी जो 200,300,350 लिया गया है, लेकिन यहाँ पे ए स्पेस बी स्पेस सी लिया गया है, जो कि स्पेस कभी भी वेरिएबल के अंदर या फिर स्टेटमेंट के अंदर काम में नहीं लिया जा सकता, तो कभी भी पाइथन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज के अंदर स्पेस को काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये वेरिएबल गलत होगा या स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर को निम्न में से सही ऑपरेटर कौन सा होगा, यदि पावर एक्स की पावर वाई दी गई हो तो आंसर क्या बनेगा, सही आंसर होगा एक्स की पावर वाई, यानी अभी मैंने जो ऊपर बताया था कि जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है वो होता है डबल स्टार होता है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है उसका ऑपरेटर का साइन है वो डबल स्टार के से शो किया जाता है, और वो क्या करता है जो लेफ्ट ऑपरेंट की पावर लेफ्ट ऑपरेंट पर क्या करता है राइट ऑपरेंट को पावर के रूप में शो करता है, तो यहाँ भी यही किया गया है, जो एक्स है उसके ऊपर वाई को यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा एक्स एक्सपोनेंट वैल्यू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा फ्लोर डिवीजन कौन सा है, यानी फ्लोर डिवीजन का साइन बताना, इसके अंदर सही आंसर होगा बी, फ्लोर डिवीजन का साइन होता है डबल स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा सही क्रम कौन सा होगा, यानी अगर आपको क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आप हल करोगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं,
सबसे पहला है पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, फिर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, उसके बाद डिवीजन वैल्यू, उसके बाद एडिशन वैल्यू और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वैल्यू। आपके सामने ऑप्शन ए बी सी और डी दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं और मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। डी 1 2 3 4 5 6, यानी जब भी एक्सपोनेंट वैल्यू आएगी, यानी सॉरी जब भी पैरेंथेसिस वैल्यू यानी कोष्टक वैल्यू आती है, जब से पहले कोष्टक हल होते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट वैल्यू हल होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका सही क्रम होगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आउटपुट क्या होगा यदि 22% 3 दिया गया हो तो। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि जो परसेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा शेषफल को शो करता है, तो 22 में यदि 3 का भाग दिया जाता है तो केवल 1 शेषफल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सही आउटपुट क्या होगा यदि 3*1 और *3 दिया गया हो। सही आंसर होगा 3। अब देखिए 3 कैसे आता है, सबसे पहले मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले कौन सा वैल्यू हल होगी, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का जो 1*3 है वो एक्सपोनेंट वैल्यू को शो कर रहा है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट वैल्यू को हल करते हैं। तो यहाँ पे 1*3 लिखा जाता है तो 3 की पावर यानी 1 की पावर क्या होगी, 3 होगी, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे इसको अगले वाले पार्ट को हल किया जाएगा 3*1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 को 1 से अगर गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो सही आंसर क्या होगा, 3। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।